नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत, पीएम मोदी ने ली सांसद पद की शपथ। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत पर रोक के खिलाफ दायर की है याचिका। यूपी में 2 आईपीएस अफसरों का तबादला, वैभव कृष्ण को सौंपी गई आजमगढ़ की कमान। जहरीली शराब से 57 की गई जान, कमल हसन ने पीड़ितों को बताया लापरवाह, मनोरोग केंद्र बनाने की मांग उठाई। 10 साल बाद साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई, वेस्ट इंडीज का सपना हुआ चकनाचूर। प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बसपा के निष्क्रिय पदाधिकारियों पर होगी बड़ी कार्यवाही, मायावती ने दिए निर्देश। यूजीआर एग्जाम 1563 में से 750 छात्रों ने नहीं दी पुनः परीक्षा, सिर्फ 52% बच्चों ने दिखाई दोबारा हिम्मत। कानपुर में हिट एंड रन एक्सीडेंट के बाद रोका तो वकील को कार से रौंदा, मौत। सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर इकबाल संग केक काटते हुए किया रोमांटिक डांस, वायरल हुआ कपल का ये वीडियो। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।